साथियों आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर जो बाकी था पिछले दो वीडियो में हम डाल दिए थे, जिसमें दूरी सूत्र विभाजन सूत्र पर संबंधित क्वेश्चन बनाए थे। इसमें हम त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथियों आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा और जितने क्वेश्चन हम देंगे अलवल क्वेश्चन नहीं पढ़िए, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए, आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको सफलता पाने के लिए रातों रात जगनी पड़ेगी। दिन को दिन ने समझिए, रात को रात ने समझिए। कहा गया है पानी से नहाने से सिर्फ लिबास बदलता है, पानी से नहाने से सिर्फ लिबास बदलता है, पसीने से नहाने से इतिहास बदलता है। साथियों मालूम होगा कि पसीना से नहाता है उसका इतिहास बदला है। इसीलिए आप लोग दिन को दिन ने समझिए, रात को रात ने समझिए और पढ़ाई कीजिए। आइए सीधी बकवास नहीं करते, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष है। देखिए शीर्ष दे दिया गया है, हम एक फट से क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। आप एक यहाँ अब नाम तो नहीं दिया है ना, तो अपना उनसे ए बी सी रख ले। जब ये त्रिभुज है तो तीन शीर्ष होगा, जब ये त्रिभुज है तो कितना शीर्ष होगा, तीन शीर्ष होगा। अब आइए यहाँ का दो तीन है, यहाँ मान लीजिए माइनस एक कोमा जीरो मान, यहाँ दो कोमा माइनस चार दे दिया। हम यहाँ से एक्स वन, इसको एक्स टू मान लिए, इसको हम एक्स थ्री मान लिए। जहां से एक्स वन लेंगे वहीं से वाई वन भी लेंगे, जहां से एक्स टू लेंगे वहीं से वाई टू लेंगे, जहां से एक्स थ्री लेंगे वहीं से वाई थ्री भी लेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिख लिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है एक वट्टा दू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। और ऐसे याद रखना है आपको 23, 31, 12, वो तो सब याद रखता है और बहुत सारे ट्रिक हम दे दिए हैं। अब एक बट्टा दो एक्स वन कितना है, दो तो दो लिखे यहाँ पे, वाई वन तो वाई एक्स वन दो तो दो, वाई टू जीरो है तो जीरो रखे, माइनस वाई थ्री तो माइनस माइनस प्लस वाई थ्री बोला क्या लिखे चार। अब एक्स टू कितना है, माइनस एक, माइनस एक रखे, वाई थ्री माइनस वाई वन तो वाई थ्री तो वाई थ्री माइनस चार है, वाई वन तो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स थ्री दो है तो दो लिख दिए। अब होता है वाई वन माइनस वाई वाई टू तो वाई वन तीन है और वाई टू कितना है जीरो, तीन माइनस जीरो। अब इसको कैलकुलेशन के जीरो में चार जोड़ेंगे तो चार, और चार को दो से गुना के चार दूनी आठ, हाफ रहेगा ही। अब ये सात चार रुपया कर्जा, तीन रुपया कर्जा, क्या लीजिए वो कर्जा, सात रुपया कर्जा, भले ही सात रुपया कर्जा, चार तीन माइनस सात, अब माइनस माइनस प्लस क्या कि गुण जोड़ घटा में सटे हुए चिंटक रहता है, तो माइनस सात अब माइनस एक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सात कम सात, अब तीन रुपया में से जीरो रुपया, मतलब तीन रुपया छः और जीरो रुपया खर्चा, मतलब मेला के लिए मेला में कुछ खेबे नहीं के लिए और रुपया घूमने चले लिए घर, एक मतलब यह बोले खर्चने के लिए, मतलब जीरो, जीरो का मतलब की बोले मेला में गलिए मेला में खर्चने के लिए चले लिए, तो सात तीन में से जीरो गले तीन, तो तीन दूनी छः, आप जोड़िए आठ सात कते भले बुआरे पंद्रह भले, पंद्रह छः कते भले इक्कीस भले सुगा सुना। अब एक बटा दू, एक बटा दू अब गुने इक्कीस कि भले एक बटा दू गुने इक्कीस, एक मतलब भले एक बटा दू के इक्कीस से गुना करे, एक कम एक और दू कम दू, यानी कि इक्कीस बटा दू यूनिट स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल के मात्रक स्क्वायर में हो। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर क्वेश्चन माइनस पांच कोमा माइनस एक, देखियो यहाँ पर लिख दिली ए बी सी त्रिभुज के निर्माण को लिए सुना, आगे हो गए माइनस पांच माइनस एक, ये हो गए तीन कोमा माइनस पांच, कोऑर्डिनेट हो गए पांच कोमा दो। अब अपना जहां से एक्स वन लेबे सुना वहीं से वाई वन लेबे बड़े, जहां से वाई टू लेबे वहीं से इन्हें कि गाय के बछड़ा के गाय के बच्चा के भैंस के बच्चा भैंस लग दो आवे दूध पिए, नहीं एना नहीं हो, गाय के बच्चा छे तो गाये लंग दूध पीते, भैंस के बच्चा छे तो भैंसे लंग दूध पीते, मतलब अगर यहाँ एक्स वन ले लेते हैं यहाँ वाई हुए वन लब इन्हें कतो लो लब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, पहले एक्स कोऑर्डिनेट हो चले एक्स वन ही भाग ले एक समझ में एक्स वन छे एक्स टू छे कहाँ से वाई वन एक्स ने एक्स ले लेते यहाँ वाई वन है तो एक्स टू यहाँ वाई टू होते यहाँ एक्स थ्री यहाँ वाई थ्री होते। अब त्रिभुज क्षेत्रफल से एक बटा दो एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, आई में की के लिए सर वैल्यू पुट के लिए एक बटा दो एक्स वन माइनस पाँच से सुना, वाई टू माइनस पाँच से सुना, वाई थ्री दो छे प्लस माइनस माइनस, एक्स टू कते छे सुना रे तीन छे, आ फॉर्मूला होते वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री कते हो रे दू, आ वाई वन कते छे सुना रे माइनस एक, आ माइनस माइनस मिल के प्लस भ जेते एक, ठीक छौ। एक्स थ्री कते हो रहे पाँच, तो प्लस चेन साइड ध्यान देखिए, चेनों को ध्यान देखिए ना,
आई भोग लो y1 माइनस एक देख ले चला माइनस एक आ y2 माइनस माइनस प्लस आ एक छोटी कोष्टक के क्रिया करते का गुणा करते माइनस पांच रुपया माइनस दो रुपया क्या रुपया चला माइनस सात रुपया कर जा पांच रुपया सिगरेट के लिए दो रुपया खैनी खेलिए पांच दो सात मतलब दो रुपया सिगरेट मिले चाहे पांच रुपया खैनी छे समझे छी दुकान वाला कते रुपधारी भ जेते से माइनस सात आ माइनस माइनस प्लस पांच सते आ दो रुपया एक रुपया तीन रुपया तीन रुपया नौ रुपया आ देखिए एक रुपया कर्जा छे आ पांच रुपया जमा छे कै रुपया भले चार रुपया चार पंचे पैंतीस आ नौ चौवालीस प्लस है ना जुड़ जेते अगर कोऑर्डिनेट में क्षेत्रफल अगर ऋणात्मक भी होते तो धनात्मक मान लेके छे क्योंकि कोई चीज के एरिया निगेटिव नहीं होते यहाँ तो पॉजिटिव छेबे करे ऑलरेडी तो पैंतीस नौ चौवालीस अभी चौसठ यानी एक बटा दो चौसठ यानी कट जीते चला तो बत्तीस यूनिट स्क्वायर आंसर आओ अगला क्वेश्चन देखे छे अगर स्क्रीन शॉट लो लिया आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निश्चित तौर पर आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको मिलेगा वीवीआई है निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें निम्नलिखित में के का मान प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें दो क्वेश्चन दे दिया दोनों में के का मान ज्ञात करना ताकि तीनों बिंदु संरेखा संरेखा मतलब तो एक सीध में इसका मतलब त्रिभुज बने नहीं बनेगा ही नहीं इसीलिए उसका क्षेत्रफल जीरो हो जाता है संरेखा का मतलब क्या है एक सीध में जब एक सीध में कोई लाइन रहेगा त्रिभुज बनेगा नहीं इसीलिए उसका क्षेत्रफल जीरो के बराबर हम करते हैं समझे बात को अब एक्स वन सात लेते हैं एक्स टू पांच लेते हैं वाई थ्री एक्स थ्री तीन लेते हैं वाई वन माइनस टू लेते हैं जहां शुरू करेंगे एक्स वन वाई वन वाई टू एक लेते हैं y3 के लेते हैं बनाइए अब संरेख संरेख है त्रिभुज क्षेत्रफल जीरो के बराबर कर दो एक बटा दो x1 कितना है रे भाई बा बोल सात इंटू वाई टू एक माइनस के प्लस x2 कितना है रे पांच देख रहा है ना y3 के y1 माइनस माइनस प्लस प्लस x3 तीन y1 माइनस दो y2 माइनस एक चला अगला पोस्ट बंद कर कोई दिक्कत चला जीरो के बराबर किया संरेख क्षेत्र के लिए एक बटा दो ये भ गेलो चला सात माइनस सात के ये कुत्ता छे ये घर में घुसते तो सभी कट काटते झाँव झाँव क्या काटते छे सात एक सात हम प्लस माइनस माइनस सात के आ भ गेलो चला प्लस 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 पाँच के आ प्लस 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 पाँच दूनी दस आ चला रे आ देखी एक तो माइनस तीन आ ई भ गेलो प्लस तीन तो माइनस नौ कोई दिक्कत छो कौन मा कौन में गुना कर ई जीरो भ जेतो चला ई सात भ जेतो ई माइनस आ प्लस मिलके माइनस दू के भ सात रुपया कर्जा छो पांच रुपया मजदूरी कब सधा देली तैयो तो दू रुपया कर्जे बच गेलो आब यहाँ देख चला दस रुपया जब कमैली आ नौ रुपया गमैली मतलब खर्च मतलब गमैनाइ उड़ेनाइ मजा लेबी तो उड़ते नहीं रहे चला तो ई प्लस एक भ गेलो चला ई भ जेतो जीरो बराबर सात रुपया एक रुपया आठ रुपया माइनस दो के आ देखी जाति जाति के पास है तो माइनस आठ बराबर माइनस दो के माइनस माइनस प्लस दो दूनी चार इसीलिए के बराबर चार भ गेलो आंसर ठीक छौ समझ ली ना आ चला यहाँ पर देखते हो यहो देल छो गो भूत एकरो सोल पर एकरा बीमारी पकड़ने छो एकरा आला लगेबे ना ई के मान निकल जतो तो समझ नै छला रे संदेह जब यो त्रिभुज बनबे नै करते आ चला संदेह कल को जीरो बराबर कर एक बटा दो अब फर अब तो लिख x1 आठ x2 के x3 दो y1 एक y2 माइनस चार y3 थ्री माइनस पाँच समझ गए चला अब एक बट्टा दू एक्स वन कते छो आठ छो चला नहीं रे आठ छो ना सोना हमर सोना वाई टू कते छो रे माइनस चार अब भ गेलो वाई थ्री तो माइनस माइनस प्लस चुटा समझे छी रे बउआ ई भ गेलो एक्स टू प्लस के वाई थ्री कते भेलो माइनस पाँच कते भेलो बड़े माइनस पाँच देखे छी वाई थ्री माइनस पाँच छो माइनस पाँच आ वाई वन प्लस एक छै तो प्लस माइनस माइनस समझ लेने बात चला अब x3 कते हो चला प्लस दू छे y1 कते है y1 y1 देख 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 हर ये मिल गए एक छे y1 देखे छी एक अब y2 माइनस माइनस प्लस हो तो किया है फार्मूला बना कर दीजिए माइनस अब कौन मा कौन में एकरा केता गुणा कर जीरो से कोई चीज गुणा कर जीरो बनते
वो जीरो अपने आप में बॉस छे गणित के लाख के खाक को चला जीरो एगो ऐसा संख्या छे कि लाख के खाक को दे छे चला एकरा हाफ के साफे क देल के ले हप साफे क देबो तोरा चला ई भ गेलो 5 में से 4 गेलो रे चला 1 × 8 भलो चला एना लिख सके छे 1 × 8 नहीं चला ई तो बुड़बक भले सीधे टाइम ले कि 5 रुपया में 4 रुपया खर्चा के लिए 1 रुपया बचले आ 1 × 8 8 ठीक छौ प्लस माइनस माइनस 5 के आ माइनस 1 के 5 के अचला कोना ने बुड़बक वाला भागलो तो 5 रुपया कर्जा 1 रुपया कर्जा 6 रुपया कर्जा आ सीधे कह दे के लिख दे माइनस 6 के कोई दिक्कत किनको कोई बटन के नहीं ना आओ आ प्लस आ 4 1 5 आ 5 दुनी 10 अब बता चला रे जात जात से दोस्ती करे छे ना रे देखा छी जाति जाति के पास बहुत माने छे तू यादव छी तू यादव के देखबी तू मंडल छी मंडल के देखबी देखै छी जातिवाद चुनाव होय छे लालू जी पाटिल लाल कहलो यादव ललुए के वोट देतो नीतीश कुमार के कुर्मी नीतीश कुमार वोट देखै छी चला रे जात के लेल मरलो को सीधे के नै नै एकरा लंग जेबो हम एकरा लंग जेबो फर से चला चले कते भले 10 रुपया जमा 8 रुपया जमा 18 रुपया आ माइनस 6 के समझ रहा लिया चला आ बताइए ने तो कते तेरे माइनस 18 बराबर माइनस 6 के आ माइनस माइनस प्लस समीकरण में बराबर चीज ऊपर ऊपर नीचा नीचा कोटे छे आ देख ले 6 × 18 इसीलिए के बराबर 3 भ गेलो चला रे यह तोर आंसर भ गेलो धन्यवाद आशा करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बढ़िया से मन लगा के पढ़िए घर में रहिए पढ़िए और VBI क्वेश्चन है इसको बार बार देखिए और एग्जाम में आपको डायरेक्ट मिलेगा इसका हम गारंटी लेते हैं जय हिंद मातरम।